खुशखबर 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 दोस्तों, स्वागत है आपका इब्राहिम कम्युनिकेशन में। ये चीता केव में लोकेटेड एक बहुत ही खास और बहुत ही सुंदर दुकान है। यहाँ पे आपको मिलेंगे हर तरीके के मोबाइल फोन्स, न्यू मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन्स और उसी के साथ साथ ब्लूटूथ हेडफोन्स, चार्जर और भी आपको यहाँ पे इत्यादि चीज देखने के लिए बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग रंग बिरंगी छाते मिलेंगे। इब्राहिम कम्युनिकेशन फेमिदा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान वाले रोड पे चीता कैम्प, जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू। हरियाणा के मेवात से एक बड़ी खबर आ रही है। एक मुस्लिम युवक की फरीदाबाद पुलिस ने पीट पीट कर जान ले ली। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हरियाणा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार का सिलसिला अपनी चरम सीमा से आगे निकल चुका है। रक्षक ही भक्षक कैसे हो जाते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हरियाणा के नूह जिले के बतकली गांव में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का फरीदाबाद पुलिस पर आरोप है कि मुस्लिम युवक को पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पीटा गया था। 22 वर्षीय जुनैद पेशे से पेंटर था, उसने अपने घर पर दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बगैर किसी मामले के जुनैद को अवैध तरीके से हिरासत में लिया था। पुलिस ने उसे कस्टडी में बुरी तरह पीटा। जुनैद को छुड़ाने के लिए परिवार को 70,000 रुपए की घूस भी देनी पड़ी। जुनैद की मां और भाई का कहना है कि पुलिस ने ये भी धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत की तो उनका हाल भी जुनैद जैसा होगा। घर पर जुनैद की मौत हो गई। गाँव वालों ने शव को होटल हाईवे पर रख प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जब पुलिस ट्रैफिक खाली कराने के लिए वहां पहुंची तो उनकी प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई। जुनैद को छुड़ाने गए उनके भाई इरशाद और आजाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 70,000 रुपए की घूस लेने के बाद जुनैद को छोड़ा गया। जमालगढ़ के सरपंच कमरुद्दीन ने कहा कि जुनैद को फरीदाबाद पुलिस ने 31 मई को सुनहेड़ा बॉर्डर से उठाया था, वो निर्दोष था। सरपंच का आरोप है कि फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद पर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया और 1 जून को छोड़ दिया, जिसके बाद जुनैद की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसे कई अस्पतालों में इलाज के लिए दिखाया गया, शनिवार उसकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जुनैद को फरीदाबाद पुलिस ने 31 मई को सुनहेड़ा बॉर्डर से उठाया था, जिसको 1 जून को गांव के जेई के सुपुर्द कर दिया था और शनिवार जुनैद की मौत हो गई। इसका आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।